नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक बहुत बड़ी वारदात हुई है फरीदाबाद सेक्टर 15 केनरा बैंक है, लूट की वारदात हुई। आप लोग देख सकते हैं बैंक को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, लॉक लगा दिया गया है, शटर भी बंद कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं अंदर से बैंक बंद है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहुँच रही है, PCR भी लग चुकी है। सर कुछ बताना चाहेंगे क्या हुआ यहाँ? नहीं सर, लूट हुई है। आइडिया नहीं है, मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। हाँ। मुझे आइडिया नहीं है। लूट हुई है, बैंक क्यों बंद है कुछ बताएंगे सर? कोई है बैंक का? बैंक का कोई नहीं है, कुछ बताने को तैयार नहीं है। और अच्छा, बैंक के ही अधिकारी हैं, बैंक के ही अधिकारी हैं। चलो तो दोस्तों, हम आपको अपडेट दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी वारदात हुई है और बड़ी ही कहेंगे क्योंकि बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई है। और जहां तक हमें पता चला 1,84,000 रुपए की लूट हुई है, गन पॉइंट पर लूट हुई है। और हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार, इधर दिखाइए थोड़ा सा, इधर दिखाइए, हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार करीब 3 लोग आए, एक के हाथ में गन थी, सीधे कैशियर के पास गए। तुरंत 1 मिनट में जो उसके पास पैसा था 1,84,000 रुपए लूट कर यहाँ से फरार हो गए, ऐसी हमें सूचना मिली है। और अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमें जो सूचना मिली है वो सही है। बाकी पुलिस प्रशासन यहाँ पर आएगा, अभी जांच करेगा और उसके बाद जो भी आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, इसकी भी हम आपको अपडेट जरूर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना बता रहे हैं कि यहाँ पर सेक्टर 15 मार्केट में केनरा बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। 2 या 3 लोग बताए जा रहे हैं, एक के हाथ में गन थी और कैशियर से 1,84,000 रुपए की लूट हुई है। इतनी अपडेट है जो सही अपडेट है और इसकी हमने अंदर से पुष्टि भी कर ली है, लेकिन अफसर अपना नाम नहीं बता रहे हैं। बाकी पुलिस जांच में हर बात का खुलासा होगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। ये केनरा बैंक है, सेक्टर 15 में है और यहीं पर लूट की वारदात हुई है। अंदर पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, CCTV फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं, उसमें से पहचान की जाएगी आरोपी कौन थे, कहां से थे, क्या उन्हें कोई उनका रिकॉर्ड है पुलिस प्रशासन में। 3 लोग बताए जाते हैं, उनके हाथों में गन भी थी और इसी गेट से सीधे कैशियर के पास गए हैं और वहाँ से 1,84,000 रुपए की लूट की है। आप देख रहे हैं अभी गेट बंद है क्योंकि अंदर CIA की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। आप देख रहे हैं यही केनरा बैंक है जहाँ लूट की वारदात हुई है। एक बड़ी लूट की वारदात है क्योंकि दिन दहाड़े ये लूट की वारदात हुई है। कुछ लोग कह रहे थे सेक्टर 14 में भी ऐसी वारदात हुई, जो कि पूरी तरह से गलत है, वहाँ पर ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। ये सेक्टर 15 में मार्केट है, वहीं पर केनरा बैंक है जहां पर लूट की वारदात हुई है और कैशियर से 1,84,000 रुपए लूटे गए हैं। उसकी CCTV फुटेज वगैरह होगी, बाद में हो सकता है मीडिया को उपलब्ध कराई जाए या CIA को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि अंदर जांच पड़ताल चल रही है और मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बैंक में रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, तो मीडिया भी बाहर से ही रिपोर्टिंग कर रही है। आप लोग देख रहे हैं केनरा बैंक, इसी में लूट की वारदात हुई है, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और इसकी कंफर्मेशन भी करीब करीब हो चुकी है क्योंकि क्राइम ब्रांच और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। शुरुआत में बैंक अधिकारी सही सही मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन ऑफलाइन बता रहे थे कि लूट की वारदात हुई है 1,84,000। और हमने भी शुरुआत में आपको खबर दिखाई थी, हमने भी बताया था और हमें भी बैंक अधिकारियों ने ही बताया था कि 1,84,000 रुपए की लूट हुई है। अभी इसकी पुष्टि भी हो गई है, आप देख रहे हैं अंदर CIA की टीम मौजूद है, जांच पड़ताल चल रही है।
पता लगाने की कोशिश की जा रही है, अपराधी कहाँ से आए थे, किधर गए, कौन थे, कितने लोग थे, उनके हाथों में कौन सी गन थी, हर चीज़ की जानकारी क्राइम ब्रांच जुटाएगी। और अभी मीडिया के सामने भी अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जो सूचना मिली थी उसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने खबर दिखाई। देखिए अंदर जांच पड़ताल चल रही है, गेट बंद किया गया है, सिर्फ क्राइम ब्रांच और पुलिस और बैंक के कर्मचारियों को अंदर बाहर जाने दिया जा रहा है, बाकी सबके लिए एंट्री बंद है। आप देख रहे हैं विजुअल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक्टर 15 की मार्केट है, सेक्टर 15 की मार्केट है, ये देखिए विजुअल देख सकते हैं आप, सेक्टर 15 की मार्केट है, ये सेक्टर 15 की मार्केट है, ये विजुअल आप लोग देख रहे होंगे। यहीं पर ये कॉर्नर में केनरा बैंक है, यहीं पर लूट हुई है, गन पॉइंट पर 1,84,000 रुपये लूटे गए हैं। और ये बेहद हैरान करने वाला है, बेहद सनसनीखेज है, दिन दहाड़े इस तरह से बैंक में घुसकर कैशियर से 1,84,000 रुपये लूट लिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती करनी होगी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी होगी, तभी इनमें पुलिस का प्रशासन का डर बैठेगा, वरना ऐसी वारदातें होती ही रहेंगी। देख रहे हैं केनरा बैंक के बाहर से, अंदर जांच पड़ताल चल रही है इसलिए हम भी अंदर की आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बाहर से हम आपको दिखा पा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट भी दे पा रहे हैं। बाकी पुलिस प्रशासन इस मामले में जो भी बयान जारी करेगा और अपराधियों की जब भी गिरफ्तारी की जाएगी हम आपको उसकी अपडेट ज़रूर देंगे। हमारे जो मीडिया साथी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी देर से रिपोर्टिंग चल रही है, हमने भी आपको एक वीडियो दिखाई थी, ये दूसरी वीडियो है, हम भी वेट कर रहे हैं CIA और पुलिस की टीम बाहर निकले और उनसे कुछ पूछताछ की जा सके। अगर कोई मीडिया में बयान देगा हम ज़रूर आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो क्लोज कर रहे हैं, आप वीडियो शेयर भी करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।